Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's is a video is the MCQ series which we have started of financial accounting, and this is the mock test 3. So I have previously uploaded mock test 1 and 2. तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देखें, और बहुत सारे MCQs हम सॉल्व करने वाले हैं सो दैट आपके जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो आपके काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाए. तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ MCQs 1 का, दैट इज़ मॉक टेस्ट 1 एंड मॉक टेस्ट 2. तो पहले उसको देखें फिर इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs. इफ शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम स्मॉलर डिनोमिनेशन टू लार्जर डिनोमिनेशन इज कॉल्ड एज डैश. द ऑप्शंस आर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड नन ऑफ द अबव. तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. अगर आपके शेयर्स को हम स्मॉलर डिनोमिनेशन से लार्जर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर हमने 10 रुपीज़ का शेयर को 3 रुपीज़ किया और 3 का शेयर को फिर से 10 किया, इसको बोलते हैं स्मॉल से बड़ा नंबर कन्वर्ट करना. तो अगर स्मॉल से लार्जर डिनोमिनेशन में शेयर्स को कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन. और इसी का ऑपोजिट कंसेप्ट है, बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर में अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज सब डिविजन ऑफ शेयर्स. तो आपको याद रखना है, स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर में कन्वर्ट किया दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. तो इसका राइट आंसर है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन. ऑप्शंस आर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड ऑल ऑफ द अबव. तो जो कंसोलिडेशन या सब डिविजन होता है उससे हमारे शेयर कैपिटल में क्या होता है, उससे हमारे शेयर कैपिटल में हम अल्टरेशन करते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल अल्टर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज वेव्ड इट इज डैश इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आप सब जानते होंगे, ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस चैप्टर में एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस, डिविडेंड एंड क्लेम्स फॉर डैमेजेस, ऐसे दो टाइप के लाइबिलिटीज हमेशा आपको दिए जाते हैं. तो आपको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के लिए इस चैप्टर में एक ही याद रखना है, अगर आप कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को पे करोगे तो ही आप जर्नल एंट्री पास करोगे कैपिटल रिडक्शन टू बैंक. बट अगर आप कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को वेव्ड कर दोगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज वेव्ड, वेव्ड इज व्हाट कैंसल्ड, वेव्ड होगा, कैंसल्ड होगा, रेमिटेड होगा, फोरगो होगा. तो ऐसे पॉइंट्स अगर आपके पेपर में आए कि वेव्ड है, कैंसल्ड है, फोरगोन है, रेमिटेड है, तो ऐसे केस में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होता है. तो ऑप्शन है रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर बन जाएगा नॉट रिकॉर्डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर शोन अंडर द हेड डैश इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखाया जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या नन ऑफ द अबव. तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंस है जो हम स्टाफ के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो दैट इज बीन कंसिडर एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर. इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, पेइंग डिविडेंड या ऑल ऑफ द अबव. तो जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस है, ऐसे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस यूज किया जाता है. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइटिंग ऑफ द फिक्स्ड असेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉस फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स इज शोन अंडर द हेड डैश इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो जो नेचुरल कैलामिटीज है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे ये सारे आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, नेचुरल आइटम्स या अनप्रेडिक्टेड आइटम्स. तो इसका राइट आंसर देखो, आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे नेचुरल आइटम्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स. तो राइट आंसर है इसका
extraordinary items. So these are all extraordinary items recorded in the statement of profit and loss. Unpredicted items bhi koi soch sakta hai, but iska exact correct answer ban jayega extraordinary items, because ye aise items hum hamare profit and loss mein hamesha ke liye record nahi karenge. जब ये नेचुरल कैलेमिटी होगा तभी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड दैट इज वाई द राइट आंसर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू डैश जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व या कैपिटल रिजर्व. तो आपको याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सालों के पेपर में पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव, और इससे आपके बेसिक अगर क्लियर है तो आप इस ऑब्जेक्टिव को इजीली आंसर कर सकते हैं. तो वॉट एवर बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन वी आर गेटिंग बाय पासिंग द लास्ट एंट्री इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड दैट इज कैपिटल रिडक्शन का जो भी बैलेंस है वो हमेशा ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में. तो कैपिटल रिजर्व में आपका पूरे का पूरा बैलेंस रिडक्शन का ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश शेयर्स आर इश्यू टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. द ऑप्शन आर प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स एंड स्वीट शेयर्स. तो देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आप इसको भी इजिली आंसर कर पाएंगे. तो ऐसे कौन से शेयर्स है जो सिर्फ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, का मतलब फ्री. तो वी आर गिविंग सच शेयर्स फ्री टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो फ्री में कौन से शेयर्स दिए जाते हैं? बोनस शेयर्स. कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको रेशियो के बेस पे बोनस शेयर्स देगा, एंड दैट बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इशू टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली. बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं इशू नहीं होता है, बिकॉज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जिनका है उनको ही बोनस शेयर्स दिए जाएंगे. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसेंस आर शोन अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट. ये ऑप्शन आर टैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स, करंट असेट्स या नन ऑफ द अबव. तो लाइसेंस जो है वो कहाँ दिखाया जाएगा? लाइसेंस जो है वो दिखाया जाएगा अंडर द हेड इनटैंजिबल असेट्स. तो इनटैंजिबल असेट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लाइसेंस जो है हम इनटैंजिबल असेट, फिक्स असेट्स के अंदर जो दो टाइप के असेट्स है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, तो हम इनटैंजिबल असेट्स में लाइसेंस को दिखाएंगे. आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज अ डैश लाइबिलिटी. द ऑप्शंस आर करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या गवर्नमेंट लाइबिलिटी. तो अगर आपको ध्यान रखा है आपने, तो मैंने आज ही आपको बताया था कि ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अभी दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स लाइबिलिटी. मतलब डिस्प्यूट चल रहा है इनकम टैक्स के बीच में और हमारे बीच में, और ऐसी लाइबिलिटी जो डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स में फंसी हुई लाइबिलिटी है, तो वो हमारे तरफ से हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. दैट इज वाई द राइट आंसर फॉर दिस इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की लाइबिलिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. सो दिस इज दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉक टेस्ट 3. जल्दी हम मिलेंगे दूसरे मॉक टेस्ट के साथ. अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इन सारे वीडियोस का पीपीटी या जो पीडीएफ है वो चाहिए तो टेलीग्राम में चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम, उसको ज्वाइन करें. वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ शेयर करता हूँ सो दैट आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रिपरेशंस हो जाए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.